क्या विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम में सब ठीक चल रहा है? क्योंकि हाल ही में विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट टीम के फेमस सोशल मीडिया पेज को अनफॉलो कर दिया। और तो और, पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाने के बाद भी और एशिया कप जीतने के बावजूद भी विराट कोहली ने कोई भी पोस्ट शेयर तक नहीं किया। कहीं हद से ज्यादा रेस्ट देने की वजह से विराट नाराज तो नहीं चल रहे, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? चलिए जानते हैं। देखिए, पिछले 2 सालों में भारत ने 48 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ 29 मैचों में ही विराट कोहली को खिलाया गया है और 19 मैचों में उन्हें रेस्ट दिया गया है। ये विराट कोहली के नाराजगी की एक वजह हो सकती है, क्योंकि उन्हें वनडे में मौके नहीं दिए जा रहे। पर कुछ लोगों का कहना है कि सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब है, इसलिए मुंबई की लोबी ये नहीं चाहती कि दिल्ली का विराट मुंबई के महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े। अब नाराजगी की वजह क्या है ये तो विराट ही जाने, लेकिन वर्ल्ड कप नजदीक है और हर एक खिलाड़ी को दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब से खेलने के बजाय भारत देश के लिए खेलकर भारत को वर्ल्ड कप जितवाना होगा, क्योंकि देश आपसी सभी रंजिशों से कहीं ऊपर आता है। T20 मैच में नेपाल के बल्लेबाजों ने रोहित शर्मा और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मंगोलिया टीम का एशियन गेम्स में धुआं उड़ा दिया। साल 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाकर 12 गेंदों में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड बनाया था। 16 साल पुराने इस रिकॉर्ड को नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने भी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाकर महज 9 गेंदों में ही 50 बनाकर तोड़ दिया। यही नहीं, साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में शतक लगाकर T20 इंटरनेशनल में फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था। नेपाल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने सिर्फ 34 गेंदों पर शतक ठोककर रोहित शर्मा का ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। साथ ही नेपाल टीम T20 इंटरनेशनल में आज तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर यानी कि 314 रन बनाने वाली और T20 में एक इनिंग में सबसे ज्यादा यानी कि 26 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। नेपाल के इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस को देखकर हम यही कहेंगे कि नेपाल क्रिकेट का भविष्य सुनहरा है। ऑस्ट्रेलिया को पहले और दूसरे वनडे में धूल चटाने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत हासिल कर ली है। भारतीय टीम अब टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 टीम बन गई है। विश्व क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम ऐसा कमाल करने वाली सिर्फ दूसरी टीम है। इससे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ साउथ अफ्रीका टीम ने ही किया था, पर भारत के कमाल के प्रदर्शन से टीम के कोच राहुल द्रविड़ की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि टीम में जिसे खिला रहे हैं वो कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। विराट, रोहित और शुभमन गिल तो फॉर्म में थे ही, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन भी शानदार खेल रहे हैं। इधर सिराज, बुमराह के साथ अब शमी और प्रसिद्ध कृष्णा भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। उधर स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप के साथ अश्विन और जडेजा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आने वाले वनडे वर्ल्ड कप में किसे खिलाएं और किसे बिठाएं, ये राहुल द्रविड़ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पर आपको अगर टीम चुनने का मौका मिलता तो आपकी ड्रीम टीम कौन सी होती, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सन 1954 में 92 यात्रियों के साथ एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ान भरती है। 18 घंटे का ये सफर था, लेकिन महीनों निकल गए, वो फ्लाइट कभी लैंड ही नहीं हुई। लोगों ने मान लिया था कि नीला आसमान उस फ्लाइट को निगल चुका है। फाइलें बंद, सेंटियागो की फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सुनना चाहिए। ठीक 35 साल बाद सन 1989 में वही फ्लाइट ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वहां की अथॉरिटीज ने पायलट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। उसके बाद वो लोग फ्लाइट पर चढ़े, लेकिन जो उन्होंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ उन लोगों के कंकाल कुर्सी की पेटियों के साथ बंधे हुए थे। जब वो कॉकपिट की तरफ भागे तो पायलट